हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू आर ऑल रेगुलरली प्रैक्टिसिंग द मैथमेटिक्स वर्क सेंड टू यू. टुडे वील डू चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपके पास. 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18. ये कैसी इक्वेशन है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, x और x, बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं. तो ये हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड व्हाट इज़ द वेरिएबल हियर? द वेरिएबल इज x. इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं. तो यहाँ पर जो 2x है इसे इस साइड में शिफ्ट करना है. 3x को एज इट इज़ रहने दिया. यहाँ पर क्योंकि ये प्लस 2x है, पॉजिटिव साइन के साथ है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 18. फिर 3x माइनस 2x, 3x में से 2x अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बच गया 8x एंड वी आर लेफ्ट विद द आंसर x इक्वल्स टू 18. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5. 5t एंड 3t ये हो गई वेरिएबल टर्म्स एंड 3 एंड 5 जो है वो है कांस्टेंट. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. सो 5t, 3 यहाँ पर 3t पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3t. बाकी टर्म्स को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस 3 एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 5 को एज इट इज़ लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो माइनस 3 है उसे भी उस साइड शिफ्ट करना है. यहाँ पे क्योंकि माइनस है वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा 5t माइनस 3t इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3. अभी देखिए 5t माइनस 3t कितना होता है, 2t. माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2. यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में. टी इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, दिस मीन्स टी इक्वल्स टू माइनस 1 इज आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x. अगेन वेरिएबल क्या है बेटा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है. ये एक वेरिएबल टर्म है, ये भी एक वेरिएबल टर्म है, तो सारी वेरिएबल टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसे इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट कर लेंगे. यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ पर क्योंकि प्लस 3x है इस साइड हम शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस 3x. प्लस 9 को एज इट इज़ रहने देते हैं, इस साइड में 5 को भी एज इट इज़ रहने देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x माइनस 3x. 5x माइनस 3x इज 2x. प्लस 9 को इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस 9 है, उस साइड में हो जाएगा माइनस 9 एंड वी विल बी लेफ्ट विद द आंसर 5 माइनस 9 इज माइनस 4 एंड नाउ 2 इज इन द मल्टीप्लीकेशन, सो व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड इट विल बी इन द डिनोमिनेटर. सो x इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 2 विल बी आर आंसर. नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z. 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z. यहाँ पर देखिए वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल क्या है अपने पास, z. तो हम सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड. सो यहाँ आ जाएगा 4z माइनस 2z इक्वल्स टू 6 माइनस 3. 4z माइनस 2z gives us 2z. 6 माइनस 3 विल बी 3. 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विद द आंसर z इक्वल्स टू 3 बाय 2. नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x. यहाँ पर अगेन वेरिएबल x है, ये वेरिएबल टर्म, ये वेरिएबल टर्म. इस टर्म को इस साइड शिफ्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, 2x माइनस x इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस x. 14 को एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस 1 को इस साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, माइनस 1 उस साइड जाएगा तो
तो बन जाएगा प्लस वन. 2x plus x gives us 3x and 14 plus 1 gives us 15. Again 3x, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है उस साइड जाएगा तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 15. इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ आंसर आ गया x equals to 5. एट एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 3 × x − 1 + 7. यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा. 8x प्लस 4 को एज इट इज लिख दिया, फिर लगा दिया इक्वल टू साइन. 3 × x बेटा बनेगा 3x, 3 × −1 बनेगा −3, प्लस 7 एज इट इज. अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7 विल गिव अस प्लस 4. अभी क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड. सो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 4 एंड दिस प्लस 4 व्हेन गोज ऑन द अदर साइड विल बी माइनस 4. 8x माइनस 3x विल गिव अस 5x, 4 माइनस 4 गिव्स अस 0. सो फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू 0/5 एंड नाउ यू नो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल गिव अस द रिजल्ट 0 ओनली. सो हियर वी हैव x इक्वल्स टू 0 एज आवर फाइनल आंसर. सेवेंथ क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 4/5 × x − x + 10. यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये जो 5 है बेटा ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 4 × x + 10. यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40. x वाली टर्म्स को एक साइड और बाकी टर्म्स को एक साइड. ये आ जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 10. 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x विल गिव अस x एंड x इक्वल्स टू 10 विल बी आवर आंसर. एट्थ क्वेश्चन, 2x प्लस 3 प्लस 1, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x बाई 15 प्लस 3. जब बेटा जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम डिनोमिनेटर को बाय 1 कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए हमें 3 डिफरेंट नंबर्स मिले, 3, 1 एंड 15. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM ले लेते हैं. LCM ऑफ 3, 15 एंड 1 विल बी 15. जो भी LCM आता है, तीनों नंबर्स का LCM क्या है बेटा 15. जो भी हमारे पास LCM आता है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हर एक टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2x बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल्स टू 7x बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 15. सबसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या आ जाएगा बेटा, इसे कैंसिल कर सकते हैं. 3 × 1 = 3, 5 = दिस गिव्स अस 10x प्लस 15 इक्वल टू 15 × 1 = 15, सो 7x × 1 गिव अस 7x प्लस 3 × 15 गिव्स अस 45. ये सिंपल टर्म्स में रिड्यूस हो गई इक्वेशन. अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सारी x वाली टर्म्स को इक्वल टू के एक साइड और बाकी टर्म्स को इक्वल टू के दूसरे साइड. यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 10x माइनस 7x इक्वल्स टू 45 माइनस 15. 10x माइनस 7x गिव्स अस 3x एंड 45 माइनस 15 गिव्स अस 30. अभी यहाँ पर देखो नेक्स्ट 3 यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है सो व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड. सो x इज इक्वल्स टू
30 upon 3. This gives us the value x equals to 10. This will be our answer for this part. Question number 10. 3m equals to 5m minus 8 by 5. देखिए, फिर से denominator नहीं है, तो हम denominator 1 लगा सकते हैं. LCM लेना है हमें 1 और 5 का. LCM आ जाएगा 5. अब 5 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 5. यहाँ देखिए, 3m इंटू 5 इक्वल्स टू 5m इंटू 5 माइनस 8 बाय 5 इंटू 5. 3m इंटू 5 गिव्स अस 15m. 5m इंटू 5 गिव्स अस 25m. एंड 5 टू 5 कैंसल्स. 5 वन्स आर सो 8 इंटू 1 गिव्स अस 8 ओनली. हियर अभी क्या करेंगे, सारे m वाले टर्म्स को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी टर्म्स को उधर ही रहने देते हैं. तो 15m माइनस 25m इक्वल्स टू माइनस 8. 15 माइनस 25 विल बी माइनस 10. एंड व्हाट इज द वेरिएबल हियर, m. एंड दिस इज माइनस 8. अगेन माइनस 10 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो ऑन द अदर साइड इट हैज टू बी इन द डिनोमिनेटर. माइनस टू माइनस कैंसल्स आउट एंड वी कैन कैंसिल बोथ दीज टर्म्स बाय 2. 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10. सो हियर वी आर लेफ्ट विद द फाइनल आंसर, m इक्वल्स टू 4 बाय 5. दिस विल बी आर आंसर. सो दिस इज एक्सरसाइज 2.3. वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 2.3. सो प्लीज़ यू मे नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स.